हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे करेले की सूखी सब्जी। तो चलिए देख लेते हैं करेले की सूखी सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। करेला हमने लिया है 500 ग्राम, 3 प्याज ली है। आइए मसालों में देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। धनिया पाउडर हम लेंगे आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला लेंगे आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लेंगे आधा छोटा चम्मच, अमचूर पाउडर लेंगे आधा छोटा चम्मच। अमचूर पाउडर हम इसलिए मिला रहे हैं ताकि जो करेले का जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए और इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। नमक लेंगे स्वादानुसार। तो चलिए अब हम करेले की सूखी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करेले को हमें छील लेना है। ये देखिए, इस तरह से करेले को हमें छीलना है। हल्का हल्का हमें जो है छीलना है, ज़्यादा जो है हमें नहीं छीलना है। देखिए इस तरह से हल्का हल्का। तो इसी तरह से सभी करेले को हम छील लेंगे। तो करेले को हमने छील लिया है। तो चलिए अब हम करेले को काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह हमें गोल गोल काटना है और हमें जो है पतले पतले पीस करने हैं, मोटे मोटे नहीं काटने हैं। तो इसी तरह से सभी करेले को हम काट लेंगे ऐसे पतले पतले। तो ये देखिए करेला भी हमारा कट चुका है। तो चलिए अब हम प्याज को काट लेते हैं। तो ये देखिए प्याज को हमने काट लिया है। तो चलिए फिर अब हम करेले की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो करेले की सब्जी हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। तो 2 बड़े चम्मच तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब तेल हमारा गर्म हो रहा है। तेल गर्म हो गया है, प्याज डाल देंगे। तो प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे। तो प्याज हमने हल्का भून लिया है। अब डाल देंगे करेला। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें मिलाएंगे नमक। अब हम अच्छे से चला देंगे और जो मसाले बचे हैं उनको हम डालेंगे बाद में। अभी केवल हमने सिर्फ नमक डाला है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक हमें भूनना है। अब इसे हम लगभग 10 मिनट के लिए ढक देंगे और गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे। तो लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। अब इसे लगभग हम 5 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। तो चलिए फिर ढक देते हैं और गैस को लो फ्लेम पे रहने देंगे। तो आइए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो है ऐसे ही चलाते हुए लगभग 5 मिनट तक भूनेंगे। इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे तो सब्जी में जो कड़वापन आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि अमचूर पाउडर हमने इसमें मिलाया हुआ है। ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। तो लगभग 5 मिनट हमने इसे भून लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे।
तो ये देखिए करेले की सूखी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे आप लोग भी बनाइए और खिलाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आप देखते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।